प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब एंड अभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को, उनके स्पेशल गेस्ट होंगे डॉक्टर इश्तियाक अहमद, जो है तो पाकिस्तानी मूल के पर वो आजकल हमारे प्यारे देश भारत में आए हुए हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। आज ही मेरे एक दोस्त जो है वो भारत से, मुझे उन्होंने फोन किया और वो कह रहे थे कि इलेक्शंस हो रहे हैं तो आप इलेक्शन कवर करने के लिए आइए, वीजा मिल जाएगा ये वो। मैंने उनको कहा कि नहीं, मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि पिछले 3-4 मंथ से जो है सर इतनी बदतमीजियां मेरे साथ की गई हैं, इतना ज्यादा खामा है कि बेकार की बातों पर ट्रोल करना और बेकार की बातें करना अभी तक चल रही है। तो मैंने कहा मेरा इतना दिल दुखा है कि मैं नहीं समझती कि मैं भारत आऊंगी। तो मुझे समझा रहे थे कि नहीं नहीं वो अलग ही ग्रुप, जैसे आप कह रहे हैं कि वो अलग ही लोग होते हैं, इनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं। जिन साहब से आपकी बात हो रही थी वो सच कह रहे हैं, आउट इन द स्ट्रीट्स आई ओनली गॉट लव एंड आई गॉट रिस्पेक्ट। हाँ जी, तो ये सारा हिंदुस्तान जो है उसको कहा गया कि ये जहां जाए उसके साथ अच्छा सलूक करो, ये तो बकवास है ना। ना मैं किसी के ऑर्डर से कहीं जाता हूँ, अपनी मर्जी से जहां भी हम गए हैं पीपल हैव बीन एक्सट्रीमली काइंड नाइस। और यहाँ पे कि मुसलमान कोई आ गया है इज नॉट वंडर, क्योंकि इतने मुसलमान यहाँ पे हैं, हिंदू हैं पाकिस्तान के अंदर, अलबत्ता हमने किसी की जगह ही नहीं छोड़ी। तो वहां पे हमने ना किसी हिंदू को कभी घर बुलाया है, ना उसके साथ कोई दोस्ती की है। तो उसको जो हम चाहें बुरा कह दें, ये हमारा हमारे मुल्क की जो है ना वो क्या कहते हैं, बदनसीबी है सर, मेरे ख्याल बदनसीबी है हमारी। लेकिन सर मैंने बुलाया है, राम मंदिर के इनॉग्रेशन पे भी मेरे घर में जो है पिंडी से सब हिंदू फैमिलीज आई थी। कुछ लोग बहरहाल अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हालात बेहतर हो जाएं। लेकिन सर टेररिज्म एक बार फिर शुरू हो गई, आपने देखा होगा शायद, खबर सुनी हो, दासू डैम के इंजीनियर जो है चाइनीज, उन पर अटैक हुआ है। क्या लग रहा है आप, अब चाइना से भी हमारा झगड़ा हो जाएगा क्या? बाकी चीजों तो ये एक्चुअली मैं क्योंकि ट्रेवल कर रहा था तो बस सरसरी मैंने ये खबर देखी है, आई वाज शॉक्ड। ये कहाँ हुआ है अटैक, किस जगह पे हुआ है सर? ये दासू डैम जाते हैं इस्लामाबाद से जो रास्ता जाता है, ओ यानी उसके बीच में जी, ये बलूचिस्तान की बात नहीं है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ से गाड़ी यहाँ से चली है इस्लामाबाद से, लेकिन तो वहां पहुंचने से पहले बीच में जो है तो हमला हुआ है जी, सुसाइड गाड़ी थी कोई, उसको टकराया है, तो उसमें 5 चाइनीज इंजीनियर जो हैं वो उनकी डेथ हुई है और एक ड्राइवर की। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये एक के बाद एक वाकयात होते जा रहे हैं, क्या दोबारा टेररिज्म शुरू होने लगी है पाकिस्तान? इसका तो यही मतलब है, क्योंकि चाइना को अगर पाकिस्तान में ये टारगेट किया जा रहा है तो इसका मतलब है टेररिज्म कमिंग बैक। तो हुकूमत पाकिस्तान ने किस पे इल्जाम लगाया बाय द वे? सर इनकी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, टीटीपी ने मना कर दिया कि हमने नहीं किया, अब इनका शक बीएलए वगैरह पर है। लेकिन साथ साथ यही है कि सिर्फ चाइना ही रह गया था जो हमसे नाराज नहीं था, अब क्या चाइना भी हमसे नाराज हो जाएगा? मतलब जिन्होंने ये हमला किया उनका मतलब तो यही है कि ये हो जाए। और लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपने जुनूनियत इतनी फैला दी है कि हुक्म दिए बगैर भी वो कहते हैं अपना स्लीपिंग सेल्स होते हैं, वो जब उनको फतूर जेन में आता है वो महल हरकत कर देते हैं। लेकिन ये तो कोई वेल प्लान्ड अटैक लगता है मुझे, और वेरी डेंजरस। चाइनीज तो इसका बड़ा सीरियस वो लेंगे इस पे पोजीशन। सर देखिए हिंदुस्तान से भी टर्म्स खराब है, ईरान से भी, अफगानिस्तान से भी, अब चाइना ही रह गया था, चाइना भी नाराज हो जाएगा, इकोनॉमी पहले ही जो है वो आपको मालूम है किस जगह पर है। तो ऐसे में ये पाकिस्तान को चलाएंगे कैसे? अब क्या किया जाए, देखें एक मसलन मैन हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसहाक डार, लंदन में उन्होंने कहा कि वी आर सीरियसली थिंकिंग ऑफ रिवाइविंग ट्रेड विद इंडिया। तो मैंने कहा यार शुक्र है एक रिस्पॉन्सिबल बंदे ने ये बात की है। 2 दिन बाद हमारा जो है ना फॉरन ऑफिस, उसने कहा कि ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। तो हमारे फॉरेन सर्विस के अंदर भी नलायक किस्म के लोग ही बैठे हुए हैं ना, जो फाइनेंस मिनिस्टर
की स्टेटमेंट को ओवर रूल कर रहे हैं, इसका मतलब ही इज नो फाइनेंस मिनिस्टर, यानी ये हुकूमत एक दिखावा ही है ना, कहाँ एक फाइनेंस मिनिस्टर और कहाँ ये फॉरेन ऑफिस के जो ये फंक्शनरीज होते हैं उन्होंने ये बयान दे दिया। तो इससे क्या अंदाजा होता है कि पाकिस्तान में कोई एक कोहेरेंट सोच कहीं भी नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। तो जब ये नहीं है वो फिर टेररिज्म जो है वो हर चीज के अंदर स्टेप इन करके तो उसका फायदा उठा लेते हैं वो। हाँ जी सो ये मुसीबत हो गई है पाकिस्तान की। और मुझे, मेरे बस में हो तो ये जितने फॉरेन ऑफिस में बैठे हैं इनकी छुट्टी करा दूं, नए लोगों को लाऊं जो पढ़े लिखे भी हों और जो इस वो जहन से ही ना हो कि हर बात इंडिया के खिलाफ हमने करनी है। मसलन मैंने कहीं कहा, कह दिया कि भाई ये जो है वो क्या कहते हैं, चलो अपना राम मंदिर बन गया तो कोई बात नहीं, मुसलमानों को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए और इस तरह एक समझौता हो जाए। तो एक तो कम्युनिस्टों ने मेरे पे इल्जाम लगा दिया कि ये मोदी का सपोर्टर है। मैंने कहा यार मैं वहां के जो मुसलमान हैं उनको, उनके लिए ये बात कर रहा हूँ कि ये झगड़ा ना आगे बढ़े। और फिर वो फॉरेन ऑफिस का कोई बंदा था, उसने कहा कि देखें जी अब तो हिंदू इम्पीरियलिज्म अरेबिया में आ गया। एक तो गांधी साहब ने कहा ना, ये एक और बंदा करेक्टर कोई है। तो मैंने कहा बात सुनो, सारे यूरोप के अंदर जो 20 मिलियन मुसलमान बैठे हैं हर जगह पे उन्होंने मस्जिद बना ली हुई है और एक शहर में कई मस्जिदें हैं, तो क्या वो लोग नहीं कह सकते कि इस्लामिक इंपीरियलिज्म यहाँ पे इम्प्लांट हो रहा है? हम उनको भी बेवकूफ कहते हैं और इस किस्म के हमारे फॉरेन सर्विस के जो लोग हैं उनकी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इतनी है। तो पाकिस्तान में रोशनी कहाँ से देखी जाए, मुझे तो कहीं नजर नहीं आती। सर वो तो इनका भी एक कुछ दिन पहले जो न्यूज चल रही थी कि रोड के ऊपर नमाज पढ़ रहे थे और पुलिस वाले ने हटाया तो एक हंगामा हुआ था, उसमें मैंने कह दिया कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता कि कोई रोड ब्लॉक कर दे इस तरह से नमाज पढ़ने में, और ऐसा होना नहीं चाहिए। तो उसके ऊपर इस कदर मुझे पड़ी वहां से जूते चप्पल मारे, मुझे इंडिया से भी सब नाराज हो गए कि क्यों कह दिया। हालांकि वो तो मैंने कभी नहीं देखा कि यहाँ पे रोड ब्लॉक कर दी और उसके बाद बैठे हुए और हट ही नहीं रहे। मतलब अच्छी खासी बदमाशी है मुसलमानों की तो हिंदुस्तान में। अब बस ये हर जगह ये प्रोवोक करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती कि प्रोवोक करने के बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी कभी इन्होंने सोचे हैं कि नहीं। आई डोंट थिंक सो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुसलमानों का माइंड जो है वो एक स्टेप तक चलता है, अगला स्टेप उनको पता नहीं होता कि इसके बाद क्या होना है। तो ये मसलन बॉम्बे के अंदर अटैक कर दिया, इधर कर दिया, वो कर दिया, फायदा क्या हुआ? क्या इंडिया भाग गया अपना? उन्होंने सारा में कश्मीर दे दिया उसके बाद? नो, सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो नीचे की लिस्ट में नंबर 3 या 4 पे है। और मेरे एक दोस्त बता रहे थे कि उज़्बेकिस्तान में वो इंडियंस को ऑन अराइवल वीजा मिलता है, पाकिस्तानियों को वो वीजा ही देना उन्होंने बंद कर दिया। तो हम उम्मा करते फिरते हैं, लेकिन बात यह है कि अब मैं कह कह के ये बातें थक भी गया हूं। ये सिंपल सी बातें इनको समझ नहीं आती कि दिस विल नॉट वर्क, इट डजंट वर्क, इट हैज नेवर वर्क्ड, सो यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। बट इफ दे आर नॉट गोइंग टू डू इट देन पाकिस्तान इज गोइंग टू गो टू द डॉग्स, इट्स ऑलरेडी इन अ वेरी बैड स्टेट, व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन यू डू। बिल्कुल। और सर एक तरफ तो कहते भी हैं कि जी एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल करना है, और दूसरी तरफ जाके सुसाइड बॉम्बर्स भी ज्यादातर यहीं से निकले, बल्कि सारे के सारे यहीं से निकलते हैं मुस्लिम कंट्रीज से। कुरान शरीफ को ये जिस तरह इनका होता है ना जरूरत, उसमें से वैसी आयत निकाल लेते हैं और उसके बाद वो मसला वहां पे हो गया कि नहीं जी इस्लाम में तो ये है कि तुम्हारा दीन तुम्हारा, मेरा दीन मेरा, लेकिन अगर तुमने ये किया तो सर जुदा, ये भी साथ साथ की हरकतें करते हैं। तो ये बेसिकली एक
स्किज़ोफ्रेनिक स्टेट ऑफ माइंड है, इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस भी कहते हैं, कि यू कांट कनेक्ट योरसेल्फ विद द रियलिटी एंड यू क्रिएट एन इमेजिनरी वर्ल्ड एंड स्टार्ट बिलीविंग इन इट। ये है कॉग्निटिव डिसोनेंस। इन्हें ये नहीं समझ आती कि अगर हम कह रहे हैं ना कि एक को मारा तो सारी इंसानियत, तो इसका प्रैक्टिकल कोई भी तो एप्लीकेशन होना चाहिए ना। ये जाके किसी एमडी को पकड़ लेंगे, उसको मार देंगे, हाँ जी किसी क्रिश्चियन बेचारे के पीछे पड़ जाएंगे और बातें करने के लिए वो कुरान की आयत भी सुना देंगे। तो अब दुनिया आ गई है तंग। इंडिया में भी लोगों ने कहा यार आपकी बातें बहुत खूब हैं, हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी रिसर्च ने पूरा हमें ये समझने का बड़ी मदद की है। दिस इज व्हाट पीपल आर सेइंग। ये मुझे पाकिस्तान में भी लोगों ने कहा है ऑनेस्टली। लेकिन बात ये ना मेरे पास पावर है ना किस पावर, जिनके पास है वो अभी तक उसी रट पे, दे आर इन द सेम रट एज दे वर 50 ईयर्स अगो इवन अर्लियर, वहां पे फंसे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सर, लेकिन कुछ सीखने को तैयार नहीं है ना ही सुधरने को तैयार है, ये बहुत अफसोसनाक बात है और यही चीज हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब अब तो लोग डर जाते हैं, अगर आप कहीं खड़े होकर अल्लाह अकबर बोलते हैं तो लोग भाग जाते हैं साइड पे से, तो ये हालत हो गई है। और अगर कहे तो लोग बुरा मनाते हैं कि क्यों जी आपने तो खिलाफ बात कर दी इस्लाम के, इस्लाम के खिलाफ बात की, हम तो हकीकत बता रहे हैं जो हो रहा है। हाँ बिल्कुल, बस ये ऐसे ही है, सही है यहाँ पे। लेकिन सर आप अपना विजिट जो है वो जारी रखिए और हम आपसे फिर बात करेंगे जब आप इलाहाबाद से आएंगे या प्रयागराज से आएंगे, तो यकीनन मैं आपसे कोशिश करूंगी कि दोबारा कनेक्ट हूँ और पूछ सकूं कि आपने वहाँ पक्की बात। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी और डॉक्टर इश्तियाक अहमद का ये पूरा डिस्कशन और उनके पॉजिटिव एनालिसिस आपको काफी पसंद आए होंगे, जहां पे इन दोनों ने ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में बल्कि चर्चा की पाकिस्तान के हालात के बारे में। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।